कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने गुरुवार को सरेनी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी राहुल गांधी के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं की और भाजपा पर जमकर बरसी। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि 3 महीने से प्रधानमंत्री पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी भाषण देते हैं हिंदू मुसलमान बोलते हैं। कल टीवी पर आए और कहने लगे कि मैंने ऐसा कब कहा। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि आप रोज़ रोज़ कह रहे हो और एक दिन सुबह उठे और कहने लगे कि मैंने ऐसा कब कहा। अगर मैं ऐसा कहता तो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हो सकता है कि आप समझ गए हैं कि आप लायक नहीं रहे। इस पद पर आसीन होने के लिए देश के सबसे बड़े पद पर आसीन प्रधानमंत्री अपनी बात गिरगिट की तरह बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री के हाथ में देश का भविष्य है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो जो कहती थी वो करती थी। प्रियंका वाड्रा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर मुखर रहे और पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि बेरोजगारी और महंगाई शब्द हमारे देश के पीएम के मुंह से नहीं निकलते। प्रियंका ने कहा कि इसी भाषण में महात्मा गांधी का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस की नींव ही महात्मा गांधी से है। हम धर्म विरोधी कैसे हो सकते हैं। महात्मा गांधी ने पूरा स्वतंत्रता आंदोलन भगवद गीता की सीख पर किया, सत्य व अहिंसा के आधार पर किया। इससे बड़ी कोई धार्मिक परंपरा किसी भी पार्टी की है ही नहीं इस देश में। इसके बाद प्रियंका ने उत्तर प्रदेश के गौशाला की बदहाली का भी मुद्दा उठाया और कहा कि ये लोग कहते हैं कि धर्म को बड़ा मानते हैं, गौ माता की बात करते हैं, यहाँ की गौशाला देखिए, चारा पानी छत छप्पर नहीं है, सारी गाय धूप में लेटकर मर रही हैं। 2 साल पहले का वीडियो है, 40-50 गाय मर गई, उन्हें बुलडोजर से दफनाया जा रहा है। ये लोग काम नहीं करते लेकिन धर्म के आधार पर आपके घर वोट मांगने जरूर आ जाते हैं। इंदिरा गांधी काम के आधार पर वोट मांगती थी, बहुत धार्मिक थी, रोज सुबह उठकर पूजा करती थी, हर मंदिर और तीर्थ स्थान गई लेकिन धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगती थी। इसके बाद डलमऊ के चौदह मिल व भोजपुर में प्रियंका वाड्रा ने संपर्क करके समर्थन मांगा। प्रियंका वाड्रा ने लालगंज में रोड शो किया। कांग्रेस व सपा समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। ब्रजेश नगर, नई बाजार, करुणा बाजार चौराहे होते हुए काफिला निकला। मनोज द्विवेदी, सुधा द्विवेदी, राजद नेता अशोक सिंह, राकेश भदौरिया, सौरभ सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।